बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एसएच क्रोशेट। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही प्यारा और यूनिक सा डिज़ाइन लेकर आई हूं, जिसको मैं बहुत ही आसान और इजी तरीके से आपको बताऊंगी और समझाऊंगी। तो अगर आप आसान तरीके से इस खूबसूरत पैटर्न को, इस खूबसूरत कार्डिगन को बनाना सीखना चाहते हैं, तो एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए। कटिंग के बाद इस तरीके से मैंने जो की थी, यहाँ पे हमने जो ज्वाइन की थी, ये रो बना के कंप्लीट कर ली, इसको ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जो हमारे पास ग्रैनी स्क्वेयर्स थे, ग्रैनी स्क्वेयर्स को इस तरह हमने रखे, इसको स्टिच यानी कि स्टिचेस की मदद से, नीडल की मदद से इसको हमने स्टिच कर लिया इस तरीके से। ये देखिए एट हमारे ऊपर ग्रैनी स्क्वेयर्स लगे हैं, ग्रैनी स्क्वेयर्स को स्टिच कर लिया है। ये देखिए, अब यहाँ से ये जो फर्स्ट है, इसको यहाँ से हम लेना है। ये देखिए, हम इस तरीके से अपने वर्क को ऐड करना है, वर्क को ऐड करेंगे। और यहाँ पे अब देखिए, ये नेक्स्ट स्पेस में 3-4 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट 4 डबल क्रोशिया, कॉर्नर डबल कॉर्नर, फोटो पर क्वेश्चन ना के देखिए आप कॉर्नर पे फोटो पर क्वेश्चन 1, 2, 3, 4। और अब ये इस नेक्स्ट कॉर्नर पे फोर डबल क्वेश्चन 1, 2, 3, 4। ये देखिए इस तरीके से कॉर्नर को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे 3-4 डबल क्रोशिया इस कॉर्नर पे और 4 डबल क्रोशिया इस कॉर्नर में ला के फिर वर्क उसी तरीके से इसको यहाँ ऐड करके यहाँ पे आते हैं, कॉर्नर पे कॉर्नर बनाना है। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ से करके दे रहे हैं, इस कॉर्नर पे 4 बना के। अब ये देखिए ये सेकेंड कॉर्नर को भी सेकेंड कॉर्नर को 4 बना के इसको ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से अपने वर्क को करते हुए इस पूरी रो को यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये ज्वाइन हो गया हमारा ऊपर, ये लाइन कंप्लीट हो गई, रो यहाँ पे इसका काम ख़त्म हो गया। अब ये जो नीचे हमारे पास बॉर्डर था, ये देखिए अब ये जो नीचे जो हमारे पास साइड है, ये यहाँ पे जहाँ हमने ये जो नीचे से टुकड़ियाँ ज्वाइन की थी, निचली साइड से हमारे फ्रंट के नीचे की लेंथ से
यहाँ पे हमने ये देखें इसके साइड जो बॉर्डर है ये वाला बॉर्डर, यहाँ पे हमने टसल लगाने हैं और इसको हमने एज इट इज़ ऐसे ही इसको रहने देना है, इसको ऐसे रहने देंगे और यहाँ पे जो है इस साइड पे ये सारे टसल लगा लेने हैं। देखिए मैं आपको टसल लगा कर दिखाती हूँ, इस तरीके से इसको इस तरह से हम सारे टसल लगा कर यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से ये देखिए जो हमारा आर्म होल था इसको इस तरीके से बना के इसको यहाँ से कवर किया है, दूसरी साइड का बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से ये हमारा ऊपर से ऊपर का है और ये हमारा नीचे से फ्रंट का हिस्सा है, तो इसको यहाँ से हमने वर्क को अपने इस साइड से फिर वर्क को स्टार्ट करना है यहाँ से। टू डबल क्रोशिया, नो सॉरी हाफ डबल क्रोशिया, टू हाफ डबल क्रोशिया इधर, टू हाफ डबल क्रोशिया इधर। सो ये हर कलर के इस स्टिच में टू टू हाफ डबल क्रोशिया लेने हैं। इस तरीके से देखिए ये पूरे राउंड को ही इस तरीके से ये पूरा कवर करके इसको यहाँ तक आना है लास्ट स्टिच तक। इस तरह इसको लास्ट स्टिच में फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर लेंगे, वन चेन लेके अब नेक्स्ट हर स्टिच में भी सिंपली हाफ डबल क्रोशिया लेके रो को कंप्लीट करते रहना है। देखिए इसी तरीके से देखें हाफ डबल क्रोशिया, इसी तरीके से
हर रो को कंप्लीट करते हुए टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 रो, टोटल 4 रो हाफ डबल क्रोशे बना के ऐसे हमने अपने आर्म होल की लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारी नीचे की साइड है जिस साइड पे हमने ये टसल लगाए थे, इसको यहाँ से ये 1 2 और 3 3 को हमने स्किप करना है और इसके यहाँ से हमने इस साइड को हमने क्लोज करना है, यानी कि इसको हमने कॉर्नर्स को बंद करना है यहाँ से 1 2 3 और 4 4 को हमने बंद करके फिर हमारे यहाँ पे 1 2 और ये 3 3 हमारे ओपन रह जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने ये जो फ्रंट साइड है यानी ऊपर से जो फ्रंट का पार्ट है वहाँ से भी हमने स्टार्ट की 1 और 2 हमने बंद करनी है, बाकी हमारी ऐसे एज इट इज़ ओपन रहेंगे यहाँ से। ये देखिए ये मैंने सारी बंद कर ली हैं, ये लास्ट में ये मैं आपको एक बना के बताती हूँ कि इसको हमने किस तरीके से बंद करना है।